बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क और मैं हूं अक्सा इकबाल। खबर शामिल करते हैं। कसूर से जावेद आशी डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल की क़यादत में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के सिलसिले में ज़िले इंतजामिया और पुलिस का शहर में मुश्तरका फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर राबिया रियासत, AC औरंगजेब सिद्धू, SP इन्वेस्टिगेशन अली बिन तारिक, DSP सिटी SHOs और मुहाफिज़ फोर्स ने भरपूर हिस्सा लिया। कसूर फ्लैग मार्च कमाल चिश्ती मोड़ से शुरू होकर शहर कसूर होता हुआ कचहरी चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल का कहना है कि शाम 6 बजे के बाद जिले भर में वैक्सीनेशन सेंटर, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स के अलावा कोई दुकान खोलने की इजाज़त नहीं है। शहर घरों में रहकर खुद को और अपने प्यारों को मजबूत बनाए। कसूर डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, अमल ना करने वालों को जेल भेजा जाएगा। एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर हम कोरोना के फैलाव को रोक सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर। मजीद खबरों के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क।